एक पेंट ऊंची हो गई थी, तो हम इसको बिल्कुल लेवल में लाने के लिए क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज को लेकर आजकल टेलरों के पास भागते हैं और इतना टाइम नहीं होता है कि जाएं और वो चीज़ वैसे की वैसे पड़ी रह जाती है। तो हम इसको बहुत आसान तरीके से लंबाई कैसे बढ़ाएंगे ये देखिए। अगर आपके पास कपड़ा इसके अंदर सफिशेंट है तो आप इसी को 1 इंच बढ़ा सकते हो, नहीं तो दूसरा कपड़ा लगाकर भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम जो पहले की तुरपाई है उसको उधेड़ लेंगे। देखिए मैंने एक की उधेड़ ली है, ये मैंने खोल दिया है इसको, दूसरे को भी ऐसे खोलेंगे। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, भले हमें सिलाई आती हो या नहीं आती हो, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको लंबा कर सकते हैं। तो इसको भी मैं उधेड़ लेती हूँ पूरा, कुछ भी नहीं करना होता, बहुत ही आसान होती है चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें घर में ही आप करो, टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं उधेड़ दूंगी पूरा, ऐसे खोल दूंगी, सब देखो ऐसे खोल दूंगी मैं, ये मैंने खोल ली है दोनों पाँव को खोल लिया। और खोलने के बाद जितने भी धागे लटक रहे हैं हम सबको निकाल देंगे और इसको प्रेस से बराबर कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसको मोड़ देंगे। अगर आपके पास कपड़ा ये कम लगता है आपको, तो अंदर दूसरा इसी कलर का कपड़ा लगाकर, कोई भी कपड़ा लगाकर आप इसको मोड़ सकते हैं। इसको प्रेस कर लिया है मैंने और जितने भी यहाँ धागे लटक रहे थे मैंने सब निकाल दिए हैं इसके। अब मुझे कितना मोड़ना, मेरा इतने में ही हो जाएगा, आधे में काम बिल्कुल। या तो आप पहले प्रेस कर लो, लेकिन मेरा ये निशान पहले से ही बना हुआ है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है निशान लगाने की प्रेस करके, तो ये तुरपाई कर लो। क्योंकि आजकल के बच्चे करना नहीं चाहते हैं और छोटी छोटी चीज़ को लेकर टेलर के पास भागते हैं, तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और जिस साइड भी आपका तुरपाई में हाथ चलता हो आप उस साइड ऐसे तुरपाई करते हैं। तो मेरा इतना ही मोड़ूंगी तब भी बहुत रहेगा, ये दूसरा कपड़ा लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम किसी भी टेलर के पास ना जाके और अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। हालांकि ये मेरी वीडियो तुम लोगों को ऐसी लगेगी कि क्या भाई आज वीडियो है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझने की हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है कैसे क्या करते हैं, तो इसलिए टेलर के पास जाते हैं और ये छोटे छोटे काम टेलर करने में नखरे दिखाते हैं। तो ये खुद ही काम करें इस टाइप के, ये पूरे दोनों पैरों में मैं ऐसे ही तुरपाई कर लूँगी और फिर वापस से प्रेस कर देंगे इनको, ये ऐसे पकड़ते जाओ बराबर बराबर और तुरपाई करते जाओ। क्योंकि बहुत ही मामूली चीज़ें हैं ये, हम बहुत ही आसान तरीके से, जिस किसी को सिलाई आती है या नहीं आती है, ये छोटे छोटे काम हम खुद अपने घर में कर सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखिए हमारा एक तरफ का पैर मुड़कर बिल्कुल तैयार हो गया है, ये देखिए। अब इसको यहाँ पे हम बंद कर देंगे बिल्कुल ऐसे लेके नीचे से, और इसके अंदर से निकाल लेंगे। एक बार और ले लेते हैं ताकि पक्का हो जाइए, फिर इसमें से निकाल लेंगे धागे में से ऐसे, और अब इसको कट कर देंगे हम, ये देखिए। ये मुड़कर तैयार हो गया है हमारा और इतनी मेरी ये पैंट खुल गई है, लंबी हो गई है इतनी। दूसरे पैर को भी ऐसा ही मोड़ लेंगे। ये छोटे छोटे काम हैं जो हम अपने घर में बड़े आराम से कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें, थैंक यू सो मच। ये देखिए हमने बहुत ही सफाई से इनको मोड़ कर तैयार कर दिया है, और ये छोटे छोटे काम अपने घर पर ही करें, खुद को भी अच्छा लगेगा, पैसा भी बचेगा अपना। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें, थैंक यू सो मच।